बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। मैं हूं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मुंबई की सबसे बड़ी हेडलाइन ये बन चुकी है कि कुछ बीजेपी वालों ने योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पे ये स्लोगन लगाया है कि बटोगे तो कटोगे, अगर साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। दरअसल ये पूरी पूरी खुली धमकी नजर आ रही है। जिस तरह से इन लोगों ने आचार संहिता के वक्त, आचार संहिता ऐसा होता है जो बैनर या को अपने पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी वालों ने मुंबई के अंधेरी ईस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बैंड्रा और ऐसी अन्य जगहों पर एक पोस्टर लगाया। उस पोस्टर को हम आपको ध्यान से दिखाते हैं। उस पोस्टर को ध्यान देखना, उस पोस्टर का जो हेडलाइन है वो काफी विवादित है। यह है वो पोस्टर, पोस्टर पे सभी न्यूज पर छाई हुई है, सभी हेडलाइन बनी हुई है, लेकिन अभी तक पोस्टर लगाने वालों पर और पोस्टर लगाने वाली पार्टी पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। खुले में धमकी दी जा रही है, जैसे कि अगर बटोगे तो कटोगे, मतलब यह है कि अगर तुम उनका साथ नहीं दोगे तो काट दिए जाओगे, और साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, ये भी इस पोस्टर में लिखा। मतलब अगर तुम बीजेपी के साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, अगर बढ़ जाओगे यानी हट जाओगे, इनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करोगे तो कट जाओगे। ये खुले में एक धमकी दी गई है, मुंबई करों को धमकी दी गई है, और मुंबई में खुलेआम बैनर लगा के धमकी दी गई है। आपको बता दें, मुंबई के जो किंग थे, जो मुंबई के शिवसेना किंग थे, सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने भी आज तक कभी मुंबई करो को इस तरह की धमकी नहीं दी थी। उनके जो बयान होते थे वो मुंबई करो के लिए होते थे, उनकी हिफाजत के लिए होते थे, लेकिन ये लोग अब मुंबई करो को खुले में धमकी दे रहे हैं, बैनर लगा के धमकी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बनती है मुंबई पुलिस को, अंधेरी पुलिस में जहां पर ये लगाया, अंधेरी पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, बैंड्रा पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, और जहां जहां ये बैनर लगाए गए उन लोगों को, सभी को जिसने ये बैनर लगाया, जिसने ये हेडलाइन डाली है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि ये खुलेआम जान से मारने की धमकी हो सकती है। क्योंकि बटोगे तो कटोगे, मतलब अगर इनका साथ नहीं दोगे तो कट जाओगे, और अगर साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसका साफ साफ मतलब ये है कि मुंबई करो को अब धमकी दी जा रही है कि हमें वोट दो नहीं तो तुम कट जाओगे। अब इस बात को लेके मुंबई कर क्या रिएक्ट करते, लेकिन सुबह से ये जो पोस्टर्स है ये सभी न्यूज चैनल की हेडलाइन बनी हुई है, बड़े बड़े न्यूज वालों ने भी इसे चलाया, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा चीज सामने नहीं आई जिसमें मुंबई पुलिस ने इन पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की है। अब देखना यह इस मामले में मुंबई कर आगे बढ़कर कैसे आते, क्योंकि उनके ही क्षेत्र में आके, मुंबई में आके इस तरह का पोस्टर लगा के उनको जान से मारने की धमकी देने वाले लोगों पर मुंबई क्या कार्रवाई करती है और मुंबई पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आमिर सैयद के साथ, आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।